तीसरा दिन इन वादियों की हमारी पहली सुबह। यहां से हमें निकलना था हमता डैम, जहां से हमारा ट्रैक शुरू होना था। सुबह सुबह इन खामोश रास्तों से चलकर हम पहुंचे हमता डैम। यहां कहीं कोई इन सर्द हवाओं में चाय की चुस्कियों का मजा ले रहा था, तो कोई अपनी जरूरत का सामान कार से उतरवा रहा था। इन भेड़ों के झुंड को देखकर लगा कि शायद ये भी किसी सफर में निकले हैं। और पता है क्या, दे वर वेरी डिसिप्लिन्ड। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैं अपने उस ख्वाब को जीने वाला था। ख्वाब एक ऐसे सफर पे जाने का जो हमेशा मेरे साथ रहे, इन यादों में हमेशा। इस सफर में कुछ नए रिश्तों का भी जुड़ना हुआ। लियो, इनसे मिलिए, ये जनाब भी हमारे सफर का एक हिस्सा बन चुके थे। यहाँ एक अलग सी महक थी हवा में, एक खुशबू जिसका एक अलग ही नशा था। पेड़ों के बीच से बिखरती ये मीठी सी धूप, चिड़ियों का चहकना, मानो के सब दिल को छू रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि समय कैसे बीत रहा था। धूप छांव का सिलसिला सा जारी था और इसी के साथ हमारे चलने का भी। काफी दूर चलने के बाद इस जगह पर थोड़ा आराम फरमाने को मिला। थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर क्या, सामान उठाया और निकल पड़े। बड़े बड़े नोकीले पहाड़ों के बीच से निकलती है नदी। ये पानी का शोर, इसी के किनारों से चलकर हमें आगे का रास्ता तय करना था। घने जंगलों से निकलकर अब पत्थरों से भरे हुए इन खुले रास्तों पर चलना था। फिलहाल तो सब कुछ आसान ही लग रहा था। ट्रैक करने का एक अपना अलग ही मजा है। जब भी जहां भी थकान लगे, बैठे, बातें की और कुछ यादें फिर कैमरा में कैद करके चल पड़े। ट्रैक करते वक्त यह बहुत जरूरी है कि आप एक साथ ज्यादा ना चलें। सफर लंबा है तो रुक रुक कर चलने में ही समझदारी है। इन घोड़ों के बिना तो ट्रैक मुश्किल ही होता। चाहे बात हमारे रहने की हो या खाने पीने की, सारा सामान इन्हीं की मदद से ऊपर ले जाया जा रहा था। धीरे धीरे मौसम अब बदलने लग गया था। कभी ना खत्म होने वाले ये ऊंचे नीचे पहाड़ों के रास्ते, थकान तो होना लाजमी था, पर सभी एक दूसरे को हाथ देते आगे बढ़ रहे थे। इस नदी का पानी इतना ठंडा था कि चलना तो दूर, छूने से भी डर लग रहा था। बस मन में भगवान का नाम लिया और पार कर गए। यहां पहुंचकर एक सुकून का पल मिला, एक अलग एहसास, एक खुशी जो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चारों तरफ नजर दौड़ाकर भी इसकी खूबसूरती को समेट नहीं पा रहा था मैं। और यही थी आज के हमारी रुकने की जगह, बस कुछ चंद लोग।
इन पहाड़ों के बीचों बीच। थोड़ी देर आराम करने के बाद सभी लोग साथ में बैठ गए। आज का सफर कैसा रहा, सभी लोग एक दूसरे को अपने किस्से सुना रहे थे। आगे का सफर और भी मुश्किल होगा, और ऊंचे पहाड़ों पर चल के जाना होगा। बस यही सब बातें करते करते आज का दिन खत्म हो गया। अब बस कल का इंतजार था।